The year-long farmers' protests ended successfully last year after Prime Minister Narendra Modi announced the withdrawal of the three contentious farm laws that the centre had previously passed. Today, we speak to a farmer leader who was at the forefront of the movement to find out how the farmers' protest affected elections in Lakhimpur Kheri and what the next phase of the farmers' movement is. आप मुझे बताएं कि ये जो इतना दिन का मूवमेंट चला, ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है ना, फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि जो कानून है वो वापस ले लिया गया और सरकार को मनवाया, आपने अपनी बातें मनवाई, तो इसके बाद क्या, अब मतलब ये जो मूवमेंट था, ये जो फार्मर्स मूवमेंट था, इसका अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव मैडम ऐसा है ना, जैसे जो मांगे मान ली गई वो तो एक कागजी में मान ली गई ना, उसमें उसको ज़मीनी पे नहीं ना उतारा गया है। जैसे MSP है, अन्य है, बिजली के कानून हैं, या जो केस जो इतने जिनके किसानों के ऊपर दर्ज हैं उस बिटवीन मूवमेंट के दौरान जो हैं, संघर्ष के दौरान, और वो अभी तक जैसे कि ज्यों के त्यों हैं, वो उनके ऊपर सम्मान आ रहे हैं लोगों को, और इसी वजह का है मतलब उस चीज़ को जो आगे जा रहा है आगे। तो बीच में ऐसी बात चली थी कि फार्मर्स जो हैं, किसान भी हैं, ये भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, तो ये बातचीत फिर आगे नहीं बढ़ी, क्या हुआ फिर? आप लोगों में से किसी ने सोचा नहीं कि चुनाव लड़े? नहीं, चुनाव लड़ने का यहाँ से तो देखिए, अन्य जो BKU जो SKM के जो संगठन थे, जो अन्य जो हैं, उन्होंने लड़ने का निश्चय लिया है और अपना वो लड़ भी रहे हैं पंजाब में, उसमें उन्होंने पार्टियाँ भी थोड़ी बनाई हुई है। तो यहाँ का जो हम लोग जो हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के, तो इनके द्वारा कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया इलेक्शन में, और जो इन्होंने मतलब मांगे नहीं मानी, आगे जो बातचीत भी जो इन्होंने रोक दी है, तो उसी का प्रारूप में आगे जो है इन्होंने विश्वासघात एक उसको समझा है, और इसको विश्वासघात को जो इन्होंने किया है उसी का जो हम लोग इनको एक BJP को जो आगे से ऊपर से आया है मोर्चे की तरफ से, वो सज़ा देने का प्रावधान है, वो हम लोग ये इसमें है, वो आगे उनको बता रहे हैं आगे जन हमने। तो मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ इस इलाके से मान लीजिए अगर कोई इसी चुनाव में अगर कोई कैंडिडेट किसान होता तो क्या उसको ज़्यादा वोट मिलते थे, क्या वही ज़्यादा खींचता? नहीं, देखिए कैंडिडेट तो हमारी समझ से सभी जो हैं वो किसानों के बीच में आते हैं ज़्यादातर जो कैंडिडेट जो हैं, तो इसमें जो है जो अच्छा लगे, हम लोग तो BJP को जो है उस चीज़ को करेंगे कि BJP को छोड़ के आप अन्य किसी को जो आपको अच्छा लगे, जो उनकी आगे जो घोषणाएं कर रहे हैं या चीज़ें जो आगे कानून जो मतलब आगे बनेगा उस चीज़ों में, तो अच्छे तरीके से उनका साथ देंगे, तो वही जो किसानों का मजदूरों का जो साथ देगा उसी को आप वोट कीजिए। तो एक पर्टिकुलर किसान नहीं खड़ा है जो हम जो जिसकी जो है वो मदद करेंगे या मतलब उस चीज़ का आह्वान करेंगे जी। तो आप किसान होने के नाते आपका क्या मानना है कि कौन सी सरकार, अब तक तो आई है गई है उत्तर प्रदेश में सरकारें, तो कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सबसे जागरूक थी या सबसे ज़्यादा किया हो? मैम देखिए, किसानों के हित में या मजदूरों के हित में सभी ने काम किया होगा, तो ये जैसे हम लोग इसमें जो इन्होंने ये एक BJP ने अलग ही मतलब उस चीज़ का जैसे वर्क कर दिया वहाँ पे, इतने 13 महीने जो हम लोगों को वहाँ पे पूरे जो प्रदेश देश से जो है मतलब किसान वहाँ पे एकत्रित हुए, और यहाँ पे भी जो इनका रवैया जो है वो इसके मतलब किसानों के प्रति नहीं है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये लखीमपुर खीरी जो है ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, बहुत जो नदियाँ जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ से किसानों को जो फसलें बर्बाद करती हैं। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले जो है वो एक बाढ़ से हम लोगों ने सामना किया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, MSP पे जो है फसलें नहीं बिकती हैं उस चीज़ों की। ये हरियाणा और पंजाब में तो जैसे वो स्टेटें जो हैं उनको MSP मिलता है, जिसकी एक मेन अभी भी लड़ाई है जो अभी उसमें चलेगा, तो यहाँ पे तो हम लोग उस चीज़ को भुगत रहे हैं, औने पौने दामों पे लोगों के किसानों के जो हैं फसलें बिक रही हैं। तो अभी जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो यही GIC ग्राउंड में जो लखीमपुर खीरी में उन्होंने ये कहा था कि लखीमपुर खीरी एक चीनी का कटोरा है, तो यहाँ पे बाहुल क्षेत्र है उसका, गन्ने का, शुगर केन का प्रोडक्शन में, तो वहाँ पे मिलें भी बहुत हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे एक समस्या ये हम लोगों को ये फेस हो रही है कि मिलें जो है वो पैसा नहीं दे रही हैं। अभी लास्ट ईयर का जो है 2020-21 का जो है हमारा वो बकाया अभी इसी सत्र का जो चल रही है अभी, तो इसको छोड़ दें हम लोग, तो उसके लिए भी हमारा संघर्ष चल रहा है, हम लोग को बैक पेमेंट नहीं इन किसानों को मिल रही है, और एक बाढ़ ग्रसित होने के नाते तो बड़ी समस्याएँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम लोग समय समय पर उठा रहे हैं, अभी तो इनका हम जस्ट उस चीज़ को कर रहे हैं, और नई सरकार जो आएगी तो अपेक्षा करते हैं कि वो इन चीज़ों को समझेगी करेगी।